बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फॉर्मूलाज को देखेंगे, डबल एंगल, हाफ एंगल, ट्रिपल एंगल के आइडेंटिटीज़ को। तो सबसे पहले हम चलते हैं साइन के डबल एंगल पे कि वो बनता किस तरीके से। देखिए, हमने एक फार्मूला पीछे कंपाउंड एंगल का पढ़ा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो अगर मैं अल्फ़ा और बीटा दोनों को रिप्लेस करा दूं थीटा से, तो ये मेरे पास बन जाएगा साइन थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। अब आप देखें ये दोनों सेम हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो ये बन गया टू साइन थीटा कॉस थीटा। ये साइन के डबल एंगल का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, जो हमें आगे इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से हमारे पास डबल आइडेंटिटी हम देखेंगे किसकी, कॉस थीटा की। कि यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा की डबल आइडेंटिटी क्या होती है, तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा बीटा को थीटा से रिप्लेस करा दें, कॉस थीटा प्लस थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा। क्या हो जाएगा ये, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये आ गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा को हमने रिप्लेस कराना है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा से। यहाँ आ गया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का सेकेंड फॉर्मूला। मैं कलर चेंज करके लिखवाऊँ, देखिए ये एक आ गया, ये दूसरा आ गया, और एक थर्ड हमारे पास होता है कि अगर मैं साइन की जगह लिख दूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखें, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो ये हमारे पास कॉस का डबल एंगल आ गया। लास्ट हमारे पास होता है टेन थीटा, तो टेन का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारे पास बराबर होता है टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, वन माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। अल्फ़ा और बीटा की जगह आप पुट करा देंगे थीटा, टेन थीटा प्लस थीटा टेन अल्फ़ा टेन थीटा प्लस टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टेन थीटा टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये टेन के डबल एंगल का फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव्ड होकर आ गया। तो ये हमारे पास डबल एंगल की तीन आइडेंटिटीज़ थी जो मैंने यहाँ पर आपको ड्राइव करके दिखाई हैं, लेकिन पेपर में आपको हो सकता है ड्राइव करने को दे, हो सकता है ना दे, लेकिन ये फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। तो इस वीडियो में हमने डबल एंगल के लेक्चर को डिस्कस किया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम हाफ एंगल के फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए, अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास पेपर्स, इन सब चीज़ों के एमसीक्यूज के लिए फौरन छा जाओ, ऐप डाउनलोड करो, जल्दी करो और छा जाओ।